पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाले जरूरतमंद बच्चों के लिए सेवा संस्था चंद्रपुर ने पहल की है। ये संगठन गरीब बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल कॉलेज की फीस, जरूरत के सामान डोनेट कर उन्हें बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। सेवा के मेंबर्स का कहना है कि हमारा मकसद ऐसे बच्चों की मदद करने के साथ लोगों को राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ उठाने हेतु कर रहे समाज में शिक्षा क्रांति का प्रचार है। सेवा संस्था चंद्रपुर लोगों को राइट टू एजुकेशन के प्रति जागृत कर रहा है। 5 साल से ये ग्रुप एक्टिव है। सेवा के प्रेसिडेंट मोहम्मद फहीम ने बताया कि ग्रुप मेंबर्स आसपास के एरिया से ऐसे बच्चों को सर्च करते हैं जो फाइनेंशियली वीक है और उनके पेरेंट्स पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। इसके बाद सेवा के मेंबर्स आपस में फंड इकट्ठा करते हैं। स्कूली फीस जमा करने ग्रुप के सदस्य स्कूल जाते हैं और टीचर्स या मैनेजमेंट से बच्चों की जरूरतें पूछते हैं। सेवा संस्था चंद्रपुर की ओर से एक दिवसीय सभा का आयोजन किदवई स्कूल चंद्रपुर में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि शफीक अहमद, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिलाधिकारी रियाज अहमद सेवा संस्था यवतमाल, निजामुद्दीन शेख सेवा संस्था यवतमाल, अशरफ फजलानी, सलीम काजी, डॉक्टर जिफ्टोड़े अध्यक्ष जनता महाविद्यालय, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, इकबाल सर, डॉक्टर संजय वासाड़े, BIT बल्लारपुर, डॉक्टर सुधीर आकोजवार, इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर, डॉक्टर मतीन शेख, राजीव गांधी कॉलेज आदि मान्यवर ने इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आदि मान्यवर ने सेवा संस्था के लिए किए गए कार्य के बारे में अवगत कराया, भविष्य में हर संभव मदद करने का वादा किया। इस कार्यक्रम में चंद्रपुर जिले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेवा संस्था के मोहम्मद फहीम, सैयद अतीक, मुश्ताक खान आदि सेवा संस्था के सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन आतिश सन ने किया, प्रास्ताविक कुरेशी मैडम ने किया तो आभार अभिजीत जीवने ने माना। रहमान खान है, मैं इस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। असल में ये काम करते वक्त जो तजुर्बात आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सख्त और तल्ख है। यानी इससे पहले मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन पर काम नहीं हुआ हो ऐसा नहीं है, बल्कि काम इससे पहले भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो मुस्लिम कम्युनिटी का परसेंटेज है उस एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए, जिस तरह से मैं पूना के अंदर ख़ासतौर से इसका एक तजुर्बा है मुझे, कि हम कौन से तरीके से काम करें ताकि ये हमारी कम्युनिटी के हर फर्द तक ये काम पहुंचे। इसके लिए हमको करना सबसे पहले ज़रूरी है कि आज जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं और ख़ास तौर से हमारे मौलवी, मुल्ला और मुफ्ती हजरात है, ये लोगों को जब तक कि हम साथ में लेकर काम नहीं करेंगे कभी भी एजुकेशनल अवेयरनेस का काम कम्युनिटी के अंदर नहीं हो सकता। इसके तजुर्बात ये है कि जिस वक्त से मैं पूना के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि स्टेज से तकरीरें हो और खूब अच्छी अच्छी तकरीरें की जाए, शायद कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आए, लेकिन इसका कुछ भी हासिल नहीं जब तक कि ये उलमाए कराम को, मजहबी तंजीमों को एतमाद में और भरोसे में नहीं लिया जाता। इसका रिजल्ट ये है, जब मैं उन लोगों के पास गया तो वो लोगों ने, क्योंकि हर कोई जानता है कि एजुकेशन ही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए से हम तरक्की कर सकते हैं, तो वो लोगों ने इस बात को इतने दिल से कबूल किया और मैं पूना में 2 साल से देख रहा हूँ, मुस्तकिल तौर पर मैं हर जुमा के अंदर जुमा में सिर्फ एजुकेशन पर बात करता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जमात, मसलक, फिरके, ये जो जहन में हमारी ये सारी बातें हैं ये हमको दूर कर देना चाहिए, और अगर हम हमारी मजहबी तंजीमें और उलमा को छोड़कर ये काम करते हैं वो सिर्फ एक जुमले में हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते, ये तुमको गुमराह कर रहे या दीन से दूर कर रहे, इसलिए इनका अदब करना, इनको साथ में लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक वजह, जो आज मुसलमान ये समझ रहे हों कि शायद एजुकेटेड हो रहा, लेकिन एजुकेटेड नहीं हो रहा परसेंटेज के एतबार से, इस पर गौर करें तो आज जो एक सिस्टम निकल पड़ा है कोचिंग क्लासेस का, अभी देखने में ये आया कि कोचिंग क्लासेस में वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके फाइनेंशियल पोजिशन बहुत स्ट्रांग है। मुस्लिम कम्युनिटी की फाइनेंशियल पोजिशन इंतहा ही वीक है। देखने में ये आया कि कम अज कम 12 तक के तो मुस्लिम बच्चे पढ़ लेते थे, उसके बाद में बच्चे में अगर टैलेंट है तो आगे का भी एजुकेशन लेता था, लेकिन आज सिर्फ 10 तक पढ़ाई करते हैं और 11, 12 में खुली छूट है कि आप किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन ले लें। अब मुस्लिम कम्युनिटी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होने के सबब कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाती, रेयर बच्चे 2-4-5 किसी कॉलेज से जाते हैं और कॉलेज से पूरी छूट मिल चुकी है। तो अब तो मेरा नाम शेख निजामुद्दीन, मैं सेवा से एनजीओ का सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ में प्रेसिडेंट साहब है, रियाज अहमद साहब वाइस प्रेसिडेंट है, महमूद रहमान खान सर, सेवा चंद्रपुर में जो हमारे प्रेसिडेंट है फहीम भाई, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है कुरेशी मैम,
सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यवतमाल में 2014 में हमने इस्टेब्लिश किए। इसका शॉर्ट फॉर्म सेवा होता है। इसका जो पर्पज़ है वो है कि बच्चों को और पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए अवेयर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना और उसके बाद में उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करना, ताकि एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े और वो कामयाब हो। ये मकसद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है 2014 से। इसमें हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम रेगुलर करते हैं। एक कि हम लोग हर इतवार को घर घर जाकर बच्चों से और उनके माँ बाप से बात करते हैं, हम उनका असेसमेंट करते हैं, फिर उनको समझाते किस तरह से पढ़ना है, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उनको अश्योर करते हैं, मतलब हम उनको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनके पढ़ाई के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो गाइडेंस हो या पैसा हो, अगर उनके पास में नहीं है तो सारा के सारा वो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरी की जाएगी, ताकि बच्चे पढ़ें। ये पर्पज़ में हम काम कर रहे हैं। तो 2014 से अभी तक का जो हमारा सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने बच्चों के पढ़ाई पर खर्च किए, हमने लाइब्रेरी बनाए, हमने MPSC के क्लासेस चालू किए, हम लोग नीट के लिए स्पॉन्सर करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, MPSC के लिए करते हैं, UPSC के लिए करते हैं। मतलब यहाँ से कि अगर किसी बच्चे को 5 रुपए के पेन की ज़रूरत है हम वो भी देते, या फिर कोई 2 लाख रुपए की ज़रूरत है हम वो भी देते। शर्त यह है कि वो बच्चा डिजर्विंग हो, विलिंग उसका जो पढ़ने की विलिंगनेस है वो बहुत अच्छी हो और वो एक कुछ अच्छे मकाम पर जाने की जो है ना वो इच्छा और ख्वाहिश रखता हो, तो हम वो सब करते हैं। दूसरा कि हमने यवतमाल से काम को जो शुरू किए थे, हमने आज 2014 से शुरू हुआ काम आज 2023 में हम जब बात कर रहे हैं, हम तकरीबन 12 से 16 जिलों में इस काम को शुरू करने में कामयाब हुए। कहीं पर स्पीड से हो रहा है, कहीं पर स्लो हो रहा है, ये बात और है, लेकिन यवतमाल में या चंद्रपुर में ये 2 जिलों में ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर कामठी है, वर्धा है, लातूर है, कोल्हापुर है, पुणे है, नासिक है, नांदेड़ है, ये सारी जगहों पर जो है काम हो रहा है। हमारा पर्पज़ ये है कि ये जो काम का तरीका है कि हम लोग वॉलंटरीली, मतलब अपने तौर पे हम जो है वो घरों में जाए, बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करें, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें और उनको ये अश्योर करें कि उनकी सारी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे, ये जो फॉर्मेट है काम का, हम ये चाह रहे हैं कि ये काम का फॉर्मेट पूरे महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हो और इसके बाद में पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश हो। इस सिलसिले में एक आखिरी बात यह है कि 2014 से शुरू हुआ काम जो हम कुछ चंद्रपुर से BCN न्यूज़ के लिए सुनील ताइडे की रिपोर्ट।